अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अजरंदी किचन। आज हम अपने किचन में बनाएंगे ज़बरदस्ती सर्दियों की सौगात, जो कि है ड्राई फ्रूट चिक्की। बहुत हेल्दी फूड है। जो लोग इस मूँगफली या ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते तो वो इस तरह चिक्की बना के खा लें तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आसान रेसिपी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 टीस्पून घी ऐड किया है, आप चाहें तो देसी घी ले लें। 1 कप चीनी ऐड कर दें। अब हम इसको मेल्ट होने तक चलाते रहेंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं हमने, 100 ग्राम काजू हैं, 100 ग्राम बादाम हैं, 50 ग्राम किशमिश और 50 ग्राम पिस्ते, और कट कर लिया है हमने। अब ये देखें, चीनी बिल्कुल हल्के से मेल्ट होना शुरू हो गई है। बस हम इसे वक्तन फवक्तन चलाते रहेंगे और ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। ये देखें, अब इसका दाना ख़त्म हो गया है और ये मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पहचान क्या है कि ये रेडी हो चुका है। हमारे जितना हमें जैसा हमें चाहिए इस तरह से रेडी हो गया है। ये देखें, इस तरह हमने थोड़ा सा डाला ठंडा होने पर और ये जम गया है, फौरन से ही जम गया है ये। बस अभी रेडी है, इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके ऐड करेंगे। मिक्स किए थे हमने, अभी इसमें मैंने किशमिश ऐड नहीं की है क्योंकि वो फूल जाती है एकदम से, तो कुछ देर बाद ऐड करें। बस ये देखें, मैंने किशमिश भी ऐड कर दी है। बस अब हम इसे इस तरह चलाएंगे, चलाते चलाते ही ये रेडी हो जाएगा। ये रेडी हो गया है। या मैंने किचन काउंटर पर घी लगा लिया था, घी से ग्रीस किया हुआ है, ऑयल से भी कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से हम स्प्रेड करेंगे और इस प्याली में मैंने नीचे घी लगा लिया था तो ताकि ये चिपके नहीं, और जल्दी जल्दी से गरम गरम में ही हमने इसको फ्लैट करना है। आप चाहें तो कटिंग बोर्ड पर भी इसको फ्लैट कर सकते हैं, फैला सकते हैं या किसी और चीज़ पे। ये देखें, इस तरह से सारा काम हमने गरम गरम में और जल्दी जल्दी ही करना है ताकि, क्योंकि ये फौरन फौरन सेट हो जाती है। बस अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, जैसे ही शेप आपको पसंद हो उसी शेप में आप कट कर लें इसको। ये देखें इस तरह से, और ये अभी से ही जमना हार्ड होना शुरू हो गई है। ये देखें, बिल्कुल आपने देखा किस तरह से अलग हो गई है ये। ये देखें, बहुत जल्दी जल्दी इसको हमने शेप देना होता है इस तरह से। ये देखें, आप चाहें तो किसी बेलन वगैरह से भी कट कर लें। अभी थोड़ी सॉफ्ट है तो इसलिए मैं हाथ से इजीली कट कर पा रही हूँ। आपने देखा कितनी जल्दी से ये बन गई है, कोई टाइम नहीं लगता इसको। आप एक बार बनाकर और एयरटाइट जार में रखकर किचन कैबिनेट में रख सकते हैं, पूरा महीना आराम से खाएं, पूरी सर्दियां आराम से खाएं, ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें। अगर आप चाहते हैं तिल वाली या मूंगफली वाली मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बनाना सिखाऊँगी। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। ये देखें, फ़ौरन से आपके सामने देखते ही देखते एकदम से ये रेडी हो गई है, जम गई है और इसने अपना शेप भी ले लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त हो, कितनी ज़बरदस्त लग रही है, एकदम से मज़ेदार। मेरी हर रेसिपी के डिस्क्रिप्शन में दूसरी रेसिपीज़ का लिंक होता है, आप वहाँ से चेक कर लिया करें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और मेरी आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं करते, बच्चे या बड़े या आजकल की बच्चियां जो पढ़ने लिखने वाली हैं वो भी नहीं करती, तो आप इस तरह से बना कर खिलाएंगी तो सबको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।